वेलकम टू फूड शूट विद सीमा। आज हम रसगुल्ले बनाने जा रहे हैं। ये रसगुल्ले बनाने के लिए 2 सर्विंग स्पून हम विनेगर लेंगे। ये टॉप्स का विनेगर लिया है और हम नींबू से भी बना सकते हैं। मैंने नींबू हटा दिए हैं। इसमें मैंने ये 2 बड़े स्पून विनेगर लिया है और इसमें इतने ही जितना स्पून हमने विनेगर लिया है उतना ही स्पून हम वाटर डालेंगे और इसको हम मिक्स करके रख लेंगे। अब ये गरम दूध हो गया है, उसके अंदर हम ये मिक्स कर देंगे और हमारा ये दूध फट जाएगा। थोड़ी देर हम धीरे धीरे हिलाते रहेंगे इस दूध को और ये दूध फट गया है। बहुत ही आसान होता है ये दूध फाड़ना। पहले बॉईल कीजिए, फिर थोड़ा सा ठंडा होने पर इसको विनेगर डाल दीजिए। अब इसको हम छान लेंगे। एक छलनी रखेंगे बाउल के ऊपर, उस पर हम मलमल का कपड़ा, मसलिन क्लॉथ आता है जो, उस कोई भी आप मलमल का कपड़ा रखकर उसको इससे छान लीजिए। ये 1 लीटर दूध था जिसमें इतना सारा निकल आया, ये छेना काफ़ी निकल आया। अभी ये गरम है और इसका जो पानी निकला है इससे हम इस आटा गूंद सकते हैं, ग्रेवी में डाल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। इसको हम जो निकला है इसको हम अच्छे से पानी से धोएंगे, क्योंकि हमें इसमें विनेगर डाला था तो उसकी खटास रहती है थोड़ी। इसको हम 1-2 बार पानी से धोएंगे। इसको पूरा अच्छे से फैला के पूरा अच्छे से धोएंगे। अगर हम नींबू डालते हैं तो भी हमें ऐसे अच्छे से धोना है। या तो नींबू डाल लीजिए या विनेगर डालना है, दोनों में से कोई सी भी एक चीज़। मैंने यहाँ पर विनेगर इस्तेमाल किया है, प्लेन विनेगर। अब ये साफ हो गया है, अब इसका अच्छे से पानी निकल जाए तब तक हमें इसको निचोड़ना है। ये तैयार हो गया हमारा, ये बिल्कुल ड्राई हो गया ये छेना। अब इसको हम मसलेंगे पूरा। इसको करीब 10 से 15 मिनट तक हमें मसलना है और उसके बाद इसमें हमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाना है। हथेली से हमें मसलेंगे। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक कप चीनी और 5 कप पानी, इतना हमने लिया है। इसको हम बॉयल होने दे रहे हैं। तब तक हम इसको हथेली से मसल लेंगे। हमें 10 से 15 मिनट लगाने हैं इसको मसलने के लिए कि बिल्कुल प्लेन हो जाए, उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अब बीच बीच में हम उसे चलाते भी रहें ताकि चाशनी चीनी थोड़ी पिघल जाए। ये मैं इसमें, मैंने आपको बताया था मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी इसमें, बस 1 टीस्पून ये कॉर्नफ्लोर है। एक चम्मच ऐसे करके हम देख रहे हैं कि क्रैक्स तो नहीं आ रहे। ये तैयार हो गए। इसके हम छोटे छोटे बॉल बना के
जो हमने पानी चीनी और पानी का घोल बनाया है उसके अंदर डालेंगे। उसके हमें कोई एक दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस नॉर्मल मीठा पानी बनाना है। और उसके अंदर हम बॉयल पानी में हम ये डालते जाएंगे। ये बॉयल आ गया है, चीनी घुल गई है। ऐसे करके हम सारे बनाते जाएंगे। और इसको 5 से 7 मिनट हम बॉईल करेंगे और ढक्कन लगा देंगे, और फिर वापस हम देखेंगे ये फूल गए हैं। इसको वापस हम 5-7 मिनट और रखेंगे। हमें 10 से 15 मिनट इस टोटल लगते हैं इसको बनाने में। और ये अब ये तैयार हो गए हैं। और अब हम इसको, इसकी शेप ख़राब ना हो तो इसके लिए हम आइस ले रहे हैं एक बाउल में। उसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे, उसमें हम इन रसगुल्लों को डालेंगे ताकि इनकी, जब हम बाहर निकालें तो इनकी शेप ख़राब ना हो। जो लोग शिकायत करते हैं कि रसगुल्ले स्क्वीज़ हो जाते हैं, इनकी शेप ऐसे ही बनी रहे इसलिए हम इसको ठंडे पानी में डाल रहे हैं। ठंडे पानी में हम इसको 15 मिनट डाल के रखेंगे। उसके बाद मैं आपको ये निचोड़ के दिखा रही हूँ। आप, स्पंज बन गया है। और जो हमने मीठा पानी बनाया था ये हम ऊपर से डाल देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। और ये हमारी डिश तैयार हो गई।